कई बार हमारी जिंदगी में एक छोटी सी प्रॉब्लम आती है जिसे हम किसी के साथ शेयर नहीं कर पाते। एक झिझक होती है कि किसी को बताएं तो कैसे बताएं, और कई बार सिर्फ अपने मन में रखे रहने की वजह से वो समस्या हमारे लिए बहुत बड़ी हो जाती है, जबकि उसका एक सिंपल सलूशन है कि हम किसी से बात कर सकते हैं, किसी से सलाह ले सकते हैं कि हमारी वो समस्या आखिर शुरू ही क्यों हुई। तो ये पूरा मकसद है बातें दिल की का, और हम चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये हमारा मैसेज पहुंचे कि मेंटल हेल्थ इश्यूज होना कोई स्टिग्मा या टैबू नहीं है, किसी के पास काउंसलिंग के लिए जाना भी कोई समस्या की बात नहीं है। कई बार ये हमारी जिंदगी की समस्याओं को सुलझाने में बहुत मददगार साबित होता है। तो आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं, शुरुआत यहीं से करते हैं कि बातचीत करना कितना जरूरी है, बातचीत से कैसे कई समस्याओं का समाधान हो सकता है। और इस टॉपिक पर बात करने के लिए आज मेरे साथ जुड़ रही हैं संजीवनी की वॉलंटियर काउंसलर विक्की राय। जिंदगी में हम सबके साथ ये होता है कि कई बार समस्या बहुत छोटी होती है जिसका समाधान भी शायद हमारी आंखों के सामने ही होता है, लेकिन हमें वो दिखाई नहीं देता और हम अंदर ही अंदर परेशान होते रहते हैं, घुटते रहते हैं। बिल्कुल, जैसे आपने ये बात बिल्कुल सही कही कि समस्या बड़ी या छोटी नहीं होती है, समस्या का असर हमारे ऊपर बड़ा या छोटा होता है। और समस्या क्या है, जो भी परिस्थिति या स्थिति से हम गुजर रहे हैं उससे हमारे अंदर क्या भाव क्रिएट होते हैं। भाव से मतलब हम डर में आ गए, हम भय में आ गए, हम बहुत शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं, हम एक तरह से एक निराश हो गए हैं जिंदगी से, और हमें लगता है कि हम बहुत अकेले हैं, हम किसी से बात नहीं कर सकते। तो ये सब एक्चुअली समस्या है। जब हमें लगता है कि हमारी समस्या का कोई समाधान नहीं है, हमारी बात सुनने वाला कोई नहीं है, हमको इतनी शर्म आती है कि हमें लगता है कि दूसरे सोचेंगे अगर मैं किसी के साथ शेयर करूंगा तो वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे, ये बात मन में आती है। या हमें ये भी कई बार लगता है कि हम किसी परिवारजन से, अपने किसी मित्र से बात करेंगे तो वो मेरी बात कहीं किसी और को ना बता दे, तो ये तमाम डर हमारे मन के ऊपर आ जाते हैं। हम में से सब लोग, कोई भी, आप, मैं, कोई भी, सब लोग हम अपनी समस्या का समाधान ढूंढ पाने में सक्षम हैं। हम अपने जिंदगी के उतार चढ़ाव के साथ बहुत आराम से डील कर सकते हैं। ऐसी कोई चीज नहीं है, हमारी किसी भी तरह की पर्सनालिटी हो, हमारा किसी भी तरह का एजुकेशन बैकग्राउंड हो, हमारा सोशल स्टेटस हो, कुछ भी, हम लोग सब अपने तरीके से अपनी अपनी जिंदगी को जीने में सक्षम है, अपने उतार चढ़ाव के साथ, अपनी समस्याओं के साथ सुलझने में सक्षम है। लेकिन फिर भी कभी कभी कुछ ना कुछ ऐसा हो ही जाता है जिसमें हम शायद अकेला महसूस करें, हम शायद भारीपन महसूस करें, हमारे दिमाग पे शायद उसका बहुत बोझ हो, और उस समय ये सब डर भी शायद मन में आए कि हम किससे बात करें, कैसे बात करें, वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे, वो मेरी बात किसी और को ना बता दे। तो ये सब सोच के हम लोग शायद चुप हो जाते हैं, और शायद वो चुप होना ज्यादा नुकसान देता है हमको। और आई थिंक सबसे बड़ी जो शायद सेवा हम किसी की भी कर सकते हैं वो शायद ये कि हम उनकी बात ध्यान से सुने, और सुने भी इसलिए, इस मकसद से सुने कि हम उनकी बात को समझें। हमें उनको समझाना नहीं है, अपनी प्रॉब्लम्स के साथ कैसे जीना है ये उनको आता है। सिर्फ कुछ समय के लिए शायद हिल गए हैं अंदर से, क्योंकि वो खुद अपने पैरों पर खड़े होकर चलने के लिए सक्षम है। सिर्फ कुछ देर के लिए अपनी उस क्षमता को वो लॉस्ट हो गई है उनकी, वो शायद वो देख नहीं पा रहे हैं अभी। तो हमारा काम सिर्फ ये है कि उनके साथ बैठ के, उनके साथ उनकी बात को सुन के, उनकी बात को इस तरह से सुनना कि वो अपनी बात को और ध्यान से और क्लैरिटी से सुन पाए। तो समस्या क्या है, उसमें उनका रोल क्या है, उसमें बाकी और कौन लोग शामिल हैं, उसके साथ अभी तक वो क्या कर रहे थे, आगे वो क्या कर सकते हैं। और ज्यादा इम्पोर्टेंट बात शायद ऋचा ये भी है कि जो बात हम कह सकते हैं उसका हल हम निकाल सकते हैं। क्या बात है, जो बात उसका हल भी निकाल सकते हैं। सो ब्यूटीफुल, ये दिस इज वन मैसेज आई विल टेक अवे विद मी टुडे। सब कोई अपनी अपनी समस्या से सुलझने में सक्षम है, तो हमारा काम उनकी समस्या सुलझाना नहीं है,
हमारा काम है उनको अपनी समस्या को खुद सुलझाने में ले सुलझाने के लिए उनकी जर्नी को फैसिलिटेट करना। क्योंकि जितना हम खुद अपनी समस्याओं की को सुलझा पाते हैं उतना हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है। तो विकी, अगर हम इंडियन सोसाइटी के कॉन्टेक्स्ट में बात करें, हालांकि महानगरों के लोगों की समस्याएं और प्रॉब्ली रूरल या छोटे शहरों के हर जगह की अलग अलग होती है, बट अगर हम ब्रॉडली बात करें, मेन तो रिश्तों में समस्याएं होती हैं, है ना। वो रिश्ता कोई भी हो, वो रिश्ता पति पत्नी के बीच का हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बीच का हो, बॉस और कलीग के साथ हो, सास ससुर, परिवार में जितने भी अपने प्रोफेशनल क्षेत्र के जितने भी रिश्ते हैं, तो सबसे बड़ा मुद्दा तो नॉर्मली रिश्तों को लेके ही होता है। और फिर स्वयं के साथ अगर हम हीन भावना महसूस करते हैं किसी वजह से, या हमारे कुछ पिछले पुराने कोई ऐसे घाव हैं जो हमको अभी तक परेशान कर रहे हैं, उसकी याद करके हम आत्मग्लानी महसूस करते हैं, तो ये कुछ एक कुछ इस तरह की इश्यूज भी होती हैं। और फिर जिसे हम इनएडिक्वेसी कहेंगे, या फिर और देखा जाए तो अगर मेंटल हेल्थ के उसमें देखें तो डिप्रेशन और एंग्जाइटी जैसे नाम आजकल आम तौर पे सुनने को मिलते हैं। जी, तो अब वापस हम शुरू में वाली बात पर जाएंगे कि लोग बात करने में बहुत जल्दी यू नो तैयार नहीं होते हैं, एक झिझक होती है। क्या होता है विकी, मुझे ऐसा लगता है कि कई बार लोग शेयर ना कर पाने को भी ना कुछ आवरण में ढक लेते हैं। कुछ लोग आपको मिलेंगे जो आपसे कहेंगे मैं बहुत इंट्रोवर्ट हूं, मैं अपनी बात बताना किसी को पसंद नहीं करता या पसंद नहीं करती। उस तरीके से लगता है शेल लोग अपने आसपास बना लेते हैं कि उससे बाहर नहीं निकलना है। वो शेल तोड़ना कितना मुश्किल है, उन्हें भी पता है उन्हें जरूरत है, वो जानते हैं कि वो एक ऐसी उलझन में उलझ गए हैं जहां से वो निकल नहीं पा रहे हैं, और शायद कोई और उन्हें निकलने में मदद कर सकता है, लेकिन वही जो हमारी अपब्रिंगिंग या हमारा एक सिस्टम बन गया है कि हम नहीं बताना चाहते और उसके लिए हम बहाने ढूंढ लेते हैं। कैसे उसको कैसे तोड़ा जाए? देखिए, एक आपने तो इंट्रोवर्ट का एग्जांपल दिया, मैं तो एक और बात भी कहूंगी कि कई लोग कहते हैं कि मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, मुझे किसी से बात करने की जरूरत नहीं है। तो आपकी पर्सनालिटी कैसी भी रही हो, और आपकी अगर वो पर्सनालिटी है तो कहीं ना कहीं वो पर्सनालिटी आपके लिए काम कर रही है। आप उस पर्सनालिटी के होते हुए अपने तरीके से अपनी जिंदगी जी पा रहे हैं। अगर आपको कहीं लगता है कि आपकी पर्सनालिटी या आपका जिंदगी जीने का ढंग अभी तक जो काम कर रहा था, अभी कहीं ऐसा लगने लगा है कि शायद अब वो काम नहीं कर रहा, या अब मुझे बहुत अकेलापन महसूस होता है, या अब मुझे बहुत हीन भावना महसूस होती है, या अब मुझे निराशा, तो असली जो असली मुद्दा है वो है भाव का, भावनाओं का, फीलिंग्स का। तो जो फीलिंग्स है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है रादर देन आपकी शख्सियत कैसी है, आपकी पर्सनालिटी कैसी है। तो जो जिस किसी भी पर्सनालिटी के आप हो सब ठीक है जब तक आपके लिए ठीक है। जब उसके साथ काम करते हुए कुछ अगर लगने लगे कि अभी तक तो चल रहा था अब नहीं चल रहा, होपलेसनेस हो रही है या हेल्पलेसनेस हो रही है, बात करनी बहुत जरूरी है, किसी से भी बात करें। एक और चीज जो मुझे विकी जी लगती है, आई वुड वांट योर आंसर ऑन दैट, कई बार वो वक्त बड़ा क्रूशियल होता है। मुझे इस वक्त परेशानी है और मुझे इस वक्त किसी से अपनी बात शेयर करनी है और मैं चाहती हूँ अभी मुझे कोई सुन ले, और वही क्रूशियल टाइम कई बार लोगों को नहीं मिलता या कोई सुनने वाला नहीं मिलता, एंड ऑफन वी रियलाइज दैट इट्स टू लेट। So, आप काउंसलर्स कैसे इंश्योर करते हो, कैसे आपको ये पता चल पाता है कि जो लोग आपसे अपॉइंटमेंट मांग रहे हैं उनमें से किसको आपकी इस वक्त अर्जेंट नीड है? अगर कोई क्रिटिकल सिचुएशन में है तो हम इमीडिएटली इस बात की ट्रेनिंग हमारी होती है कि हम उनसे 5-10-15-20 मिनट बातचीत करके और फिर उसको आगे किस तरह से सपोर्ट करना है, उनको किस तरह से उनके आसपास की सपोर्ट सिस्टम को क्रिएट करना है, उसको क्रिएट करने में मदद करनी है। अगर उनको डॉक्टर की भी अगर जरूरत है तो डॉक्टर का रेफरेंस देना है, या किसी और का अगर रेफरेंस उनको चाहिए तो वो रेफरेंस उनको दे पाए। तो चलिए, बातचीत से समस्या का समाधान, आज जितने भी लोग हमारे व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, कोई मैसेज, और बातचीत जब होती है तो सिर्फ कहना नहीं सुनना भी, जैसा आपने कहा भी कि सुनने वाले भी अब कम है, तो सब लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे?
मैं सिर्फ यही कहूंगी कि अपने शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ अपने मानसिक स्वास्थ्य के ऊपर भी जरूर ध्यान दीजिए, क्योंकि जो हमारा मानसिक स्वास्थ्य है वो हमारे जिंदगी के हर पहलू से जुड़ा है। हमारी जिंदगी का कोई भी पहलू नहीं है जहां पे हमारा मानसिक स्वास्थ्य किसी ना किसी तरह से असर नहीं डालता। मानसिक स्वास्थ्य का मतलब क्या है? जो हम महसूस करते हैं और जो हम सोचते हैं। हमारा सोचना और हमारा महसूस करना 24 घंटे चलता है हमारे साथ, है ना। और जो हम सोचते हैं, जो हम महसूस करते हैं, वैसा हमारा व्यवहार होता है, वैसी हमारी रिएक्शंस होती हैं। और इनका हमारे काम पर, हमारे रिश्तों पर, हमारे परिवार पर, हमारी दिनचर्या पर बहुत गहरा असर है। तो जिस बात का आपके जीने पे इतना गहरा असर है, तो उसके ऊपर ध्यान देना तो बहुत जरूरी है। ये जो भाव हमारे निराशा या फिर डर या भय या आत्मविश्वास की कमी, अगर इस तरह की भाव मन में आ रहे हैं जो आपकी क्षमता को, अपनी आपकी प्रोडक्टिविटी को, अपने रिश्ते निभा पाने की एनर्जी को कम कर रहे हैं, तो ये अपने आप में एक आपके लिए साइन हो सकता है। तो विक्की जी, हम लगातार ही कह रहे हैं कि बातचीत से समस्या का समाधान, लेकिन कैसे, क्यों? मतलब कुछ लोग नहीं बातचीत करना चाहते, अपने मन में अपनी बात रखना चाहते हैं, तो क्या होगा बातचीत करने से, वो पूछते हैं। बातचीत से जो एक बहुत सपोर्ट मिलता है या जो सहारा मिलता है, वो इस बात का कि शायद एक तो हम अकेले नहीं हैं, दूसरा बातचीत करने से हमारा जो मेंटल प्रेशर है, जो एक दबाव बन जाता है, क्योंकि कई बार हम सोचते हैं कि हम अकेले ही सोच सोच के अपनी समस्याओं का समाधान निकाल लेंगे, और वो सोच ऐसे चलती है, ऐसी चलती है कि थमने का नाम नहीं लेती, और फिर नींद उड़ गई और किसी चीज में मन नहीं लग रहा। तो बातचीत करने से, स्पेशली किसी ऐसे इंसान से जो आपको ध्यान से सुन रहा है, एक मन भी हल्का होता है और एक दिमाग में भी थोड़ा सा शांति आती है। जब मन हल्का है, जब दिमाग में थोड़ी सी शांति आई, तब शायद हमको कुछ ऐसे पहलू नजर आने लगते हैं जो अभी तक नजर नहीं आ रहे थे। तो जब वो पहलू नजर आने, जब पहली बात तो है कि जैसे ही थोड़ा सा मन शांत होता है, बहुत सी चीजें समझ में आने लगती हैं। क्योंकि जब हम परेशान होते हैं, तब हम चीजों को उतनी गहराई से और उतनी सफाई से शायद समझ नहीं पाते। जैसे ही मन थोड़ा सा शांत हुआ, जैसे ही मन थोड़ा हल्का हुआ, दिमाग थोड़ा सा शांत हुआ, बहुत सी चीजें खुद ब खुद दिखाई देने लगती हैं, बहुत सी चीजें खुद ब खुद साफ होने लगती हैं। तो बातचीत का बहुत बड़ा रोल है। अच्छा विक्की जी, आजकल कई लोगों को मैं ये भी कहते सुनती हूँ कि अरे ये डिप्रेशन और ये मेंटल हेल्थ इश्यूज ना, ये सब बस पैसे वालों ने क्रिएट कर लिया है, द प्रिविलेज्ड क्लास हैज क्रिएटेड दिस। ये यू नो बहुत लोग सुनते होंगे, तो चाहूंगी थोड़ा उस बारे में हमें बताएं। जी देखिए, डिप्रेशन और एंग्जाइटी अपने आप में बहुत ही तकलीफ देने वाली स्थितियां, बीमारियां हैं, क्योंकि ये दोनों अपने आप में बहुत तकलीफ देने वाली बीमारियां हैं। तो इसको अगर हम ऐसा कह के या इसका मजाक ना करें या इसको थोड़ा सा अंडरमाइन ना करें तो बहुत बेहतर होगा। लेकिन जो गुजरता है डिप्रेशन से, जो गुजरता है एंग्जाइटी से, उसी को मालूम है कि उसका एक एक पल दिन का कैसे निकलता है। तो और जहां तक ये एक सोशल क्लास की बात है, तो ऐसा भी जरूरी नहीं है। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि एक जहाँ पे अंडर प्रिविलेज क्लास है, शायद उनके पास अवेयरनेस नहीं है, शायद समझ नहीं, एक अवेयरनेस की कमी होगी, और दूसरा अवेलेबिलिटी, उनके पास समय की भी कमी है। जो इंसान सुबह से शाम तक कमाएगा और फिर खाएगा, वो कहाँ से समय निकालेगा? तो समय की कमी का हम यही कह सकते हैं कि आप क्योंकि जो चीज आपकी पूरी जिंदगी के ऊपर असर डाल रही है, उसके लिए अपने 24 घंटों में से आप एक घंटे का, एक हफ्ते में एक घंटे का समय जरूर निकालिए। इतना तो हम सबको निकाल ही सकते हैं। तो थोड़ा सा अवेलेबिलिटी की कमी है या थोड़ी सी अवेयरनेस बिल्डिंग की ज्यादा जरूरत है, वो शायद वजह हो सकती है। अदरवाइज ये बीमारियां सोशल क्लास के दायरे से बड़ी हैं, क्योंकि समस्याएं तो आती ही हैं। सिर्फ यही है कि हम समस्या का समाधान
ढूंढने के लिए क्या करते हैं, जब फिजिकल इलनेस है तो हम उस समस्या से भी तो जूझते ही, हम दोस्तों से बात करते हैं, हम डॉक्टर से बात करते हैं, डॉक्टर के अगर जनरल प्रैक्टिशनर से बात ना बने तो हम स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं, हम तमाम कई कई तरह के टेस्ट करवाते हैं, तो वो वही है। तो क्योंकि कहीं हमने कहीं ना कहीं मेंटल हेल्थ के क्षेत्र में अगर मदद मांगी है तो हमको वो कहीं एक स्टिग्मा लगता है, क्योंकि हमने आज तक मेंटल को मैड के साथ जोड़ दिया है। जी जी जी, फिर हमारा जो जीना है वो फिजिकल और मेंटल दोनों के साथ होता है, हमको जहां जितना हमारे फिजिकल वेलनेस की जरूरत है उतना ही हमको मेंटल वेलनेस की भी जरूरत है, बल्कि मैं तो कहूंगी कि मेंटल वेलनेस की जरूरत ज्यादा है फिजिकल वेलनेस से भी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विकी राय जी हमसे ये बहुत इम्पोर्टेंट बातचीत करने के लिए, और इसी कड़ी को हम आगे बढ़ाएंगे। आज हमने कहा कि बातचीत से कैसे समस्या का समाधान हो सकता है, अगली कड़ी में हम बात करेंगे कि प्रभावशाली बातचीत, इफेक्टिव कम्युनिकेशन कैसे किया जाए, कि अगर हमारे आसपास कोई परेशान भी है तो हम उसको भी उस परेशानी से निकाल पाए, या किसी भी तरह से इफेक्टिव कम्युनिकेशन कैसे किया जाए। तो आप लोग सब जुड़े रहिएगा, ये बातें दिल की बहुत काम की बातें भी हैं। थैंक यू।